नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं रिश्ता क्या कहलाता है, जिसमें अबीर घर से भाग चुका है। और आप लोगों को पता होगा कि ये एपिसोड जो है स्टार प्लस का काफ़ी मोस्ट पॉपुलर एपिसोड माना जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है अपनी विचार राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और बता दूँ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है जिसमें अबीर घर से बाहर हो चुका है और वो भाग चुका है। अब उसे अबीर की ख्याल उसकी दिन रात की सारी नींद और चैन दोनों छीन लिया है, जिसके लिए अभिमन्यु जो है हमेशा का हमेशा शराब में ही डूबा रहता है और नशे की धुत में वो पागल रहता है। उन्हें सिर्फ अबीर ही नज़र आता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि एक माँ बाप और एक बाप अपने बेटे से बिछड़ जाता है, जिनको वो सारी खुशियां देना चाहता था, जिसके लिए वो दिन रात एक कर दिया था, जिसको कभी दुख में नहीं देखना चाहता था, जिसकी एक नाखून दर्द होने पर वो अपनी जान निछावर कर देता था। आज उन्हीं बाप को अपने बेटे से अलग होना पड़ रहा है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और ये इतनी ज़्यादा नर्वस फील हो रहे हैं, जो कि इतनी ज़्यादा मतलब कि उनकी यादों में डूब चुका है, खो गया है, जो उनको सिर्फ अभिमन्यु को अबीर ही नज़र आता है। और हाँ दोस्तों, अक्षरा की भी बात करूँ तो अक्षरा को उनके घरों में काफ़ी ज़्यादा ताना समझो या तारीफ समझो। कहते हैं कि जब किसी नारी का पांव घर में ना ठहरे तो समझ लेना कि घर में तरक्की हो रही है। अब इसे आप तरक्की समझो या ताना समझो, ये बस आप लोग डिसाइड कर सकते हो। और आप लोग एपिसोड जिसने लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों को पता भी होगा कि आखिर में ये चीज़ क्या होता है। तो बात करें अभिमन्यु की, तो वो बाहर निकल चुका है घर से और शराब पीते पीते घर के बाहर निकलता है। जबकि वो बाहर निकलता है तो अचानक से उसे एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होता है मतलब वो ट्रक की चपेट में आ जाता है, जिसके चलते उसको झोंका लग जाता है और उस नशे की झोंके से वो गिर जाता है। फिर उसे उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ का जो डॉक्टर होता है वो उनको पहचान लेता है और वही उनका ट्रीटमेंट करता है। जब उनकी होश आती है तो वो बोलता है कि मुझे, मैं अपना इलाज मैं खुद कर लूँगा। लेकिन वहाँ उनके घर वाले पहुँचते हैं और उनसे बात विचार होती है, बातचीत करते हैं सब, तो फिर उनको समझाया जाता है। लेकिन नहीं, वो गुस्से में लाल पीला होके वो उस थिएटर रूम से बाहर निकल जाता है, ऑपरेशन रूम से बाहर निकल जाता है और बोलता है मुझे ढूंढने के लिए कोई आना मत, क्योंकि उनका गुस्सा सिर्फ अबीर के याद में आती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस एपिसोड में देखने को मिल जा रहा है। तो आप लोग फ़िलहाल इस वीडियो को देखें और कैसा लग रहा है अपना कमेंट, अपनी राय हमारे फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और एक मेरा ब्लॉग का चैनल है जिसका नाम है वर्मा जी का ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ पे जाइए और वर्मा जी का ब्लॉग को आप लोग देखिए और उनको भी सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए फ़िलहाल आज का जो एपिसोड है यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में आप लोगों के बीच। तो स्वागत है आप लोगों के साथ में कि मेरे साथ इतना आप लोग सपोर्ट बनाए रखे हैं। तो चलिए फिलहाल आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लव यू, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।